वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग जी। आज का व्लॉग करते हैं जी घर से स्टार्ट, घर नहीं बल्कि बाहर आए हुए हैं, बाहर से करते स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल आरनी विराज व्लॉग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और आपको दिखाते हैं जी बच्चे जो है ना गली में रश रश है, क्या कर रहे हैं। ये भी बच्चे बैठे हैं, दो यहाँ पे मोबाइल पे लगे हुए हैं, ये मोबाइल पे लगे हुए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। वैसे इस गली में जो है ना बहुत रश रहता है और बच्चे जो है ना हर टाइम फ्री में रहते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग करते स्टार्ट, आपको दिखाते हैं सारे दिन रूटीन हम लोग क्या करने वाले हैं और मज़ा आने वाला। आज वैसे हम लोग बारात में जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे जी हम लोग जाने वाले हैं जी आज बारात में। आप लोगों ने जाना व्लॉग देख रहे हैं तक मज़ा आने वाला। आज हम लोग बारात में जा रहे हैं तो फाइनली जी हमने थोड़ी सी पहले शॉपिंग कर ली, जाना करते हैं शॉपिंग, फिर जो है ना निकलते हैं जी बारात के लिए। भाभी जो है ना यहाँ पे आगे जूते ढूंढ रहा है बच्चों के खुद पहनने के लिए। किसके जूते है इधर लेके? ओए नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे काके के हैं, तुम्हारे नहीं है, रख दो वापस रख दो जूते। तुमने पहने वो दूसरे काके के हैं, वापस रख के आओ, चलो उठाओ वापस। चलो जी फाइनली हम जी मगरब होते ही जो है ना हम लोग पहुंचे जी, थोड़ी शॉपिंग करनी थी चेज़प पे। चेज़प भावलपुर वाला मुल्तान वाला, तो आपको पहले काफ़ी व्लॉगों में मैंने दिखाया है और काफ़ी वहाँ पर जो है ना शॉपिंग वगैरह की है। इरफान साहब पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भावलपुर चेज़प में जो है ना शॉपिंग करने के लिए आए हैं थोड़ी सी, तो खुल चुके हैं जी मॉल में। फाइनल इन्हें से यहाँ से शूज़ जो कि जो है ना पसंद नहीं आए यहाँ पे, तो इसलिए जो है ना हम लोग जा रहे हैं जी दूसरी मार्केट, लंडा मार्केट जा रहे हैं, लंडे में से ढूंढेंगे, यहाँ पर नहीं कोई चीज़ पसंद। शॉपिंग वगैरह करने के बाद जी हम लोग पहुँचे हैं घर, शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बारात के साथ। बारात जो है ना रात को निकल रही है 10 बजे, रात का टाइम है, 10 बज रहे हैं। ये ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है, बगैर दूल्हे के बारात जाएगी भावलपुर से हैदराबाद। तो आपको पूरी जो है ना बारात में आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों ने वीडियो जो है ना व्लॉग जो है अब तक देखना, मज़ा आने वाला है। वैसे आज के व्लॉग में जो है ना मज़ेदार व्लॉग बनने वाला है। तो चले जी सर, मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बाकी बाहर देखता हूँ कि बाहर जो है ना रेडी शेडी हुए हैं कि नहीं। तो मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ और चलते हैं देखते हैं बाहर का क्या लोग रेडी शेडी हुए हैं कि नहीं। तो गाड़ी आ चुकी है, तो रात को निकल रहे हैं भैया हैदराबाद जो है ना, तकरीबन यहाँ से 800-900 किलोमीटर है, मेरे ख्याल में 10 घंटे लगेंगे, तो इसलिए ना काफ़ी लंबी बारात है। और इस बारात में दूल्हा नहीं है, मज़े की बात है। तो दूल्हा नहीं है तो कैसे शादी हो रही है, मैं आपको पूरा व्लॉग आज ना कम्प्लीट एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा जी कैसी बारात है, कैसी शादी हुई है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। ड्राइवर साहब रुके हैं यहाँ पे ढाबे पे चाय पीने के लिए। चले जी ये सारे हो चुके हैं जी, फौत नहीं सो चुके हैं, क्योंकि सफर जो है ना काफी ज्यादा लंबा है और जो है ना सब सो रहे हैं और मैं और आदि जो है ना हंस रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि सफर जो है ना काफी ज्यादा लंबा, फौत नहीं है, सो रहे हैं भाई, वो नींदें पूरी कर रहे हैं क्योंकि सफर काफी ज्यादा लंबा है तो टाइम लगे पहुंचते। फाइनली जी हम लोग रुके हैं जी सिंध में, पहुंच चुके हैं सखर, पहुंच चुके हैं 4 घंटे सफर करने के बाद जी हम लोग पहुंचे सखर। यहाँ पे जी एक दो गाड़ी का पेट्रोल डलवाना और दूसरा जो है ना लोग अपने अपने काम कर लें, काम कौन से करने आपको पता ही है, वेले शेले होले हैं। नमाज फजर का टाइम है जी, सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग रुके हैं जी पेट्रोल स्टेशन पे, वो भी जो है कि बंद पड़ा है, नमाज का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे वेट किया जा रहा है नमाज पढ़ने का। नमाज पढ़ने के बाद फिर जो है ना आगे निकलेंगे हम लोग, 12 बजे चले से अभी जो है ना मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह का टाइम हो चुका है गाड़ी को चलते हुए। सफ़र है भाई, अजीब किस्म की बारात है, इतने लंबा सफर, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, इतनी लंबी बारात में जा रहे हैं इतने दूर भावलपुर से हैदराबाद, बहुत लंबा सफ़र है भाई, 8 घंटे हो गए हैं चलते हुए गाड़ी को, पहुंचने वाले हैं तकरीबन
60 किलोमीटर पड़ा है, 60 किलोमीटर अभी बाकी है, तो रुके हैं यहाँ पे। अमीर मावी भी साथ खज्जल हो रहा है, इधर इधर अमीर मावी, इधर बंदर, ये भी साथ खज्जल हो रहा है, अभी घर नहीं रहा आराम से सुकून से। हाँ अमीर मावी भी जो है ना साथ में भाई बारात के मज़े ले रहा है, हैदराबाद जा रहा है। हाँ वो गाड़ी जाएगी, छोड़ के जाएगी, लेके नहीं जाएगी तुम्हें, लेके नहीं जा रही, वो कह रही है यहाँ छोड़ के जाना अमीर माविया को। अमीर माविया छोड़ के चले जाएँ, यहाँ पे छोड़ के चले जाएँ आपको, हैं नहीं छोड़ के जाए यार, रह जाए इधर, रह जाए इधर, रह जाए, हम लोग जा रहे हैं, हैं नहीं इधर ही रह जा तू, ठीक है भाई, नहीं रहना इसने। तो अभी तकरीबन यहाँ से जो है ना 60 किलोमीटर जो है ना बाकी रह चुका है जी हैदराबाद। लंबी बारात कर दी है, कल 12 बजे से चली हुई है रात, अभी तक हमने बारात ख़त्म नहीं, हमारी बारात जो है ना कंप्लीट जो है ना दी एंड नहीं हमारी बारात का। अभी हम लोग यहाँ दुल्हन के घर पहुँचे हैं, यहाँ पे जो है ना नाश्ता वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुए हैं, कपड़े छपड़े सबने चेंज किए हैं, तो अब जाएंगे जी मैरिज हॉल, क्योंकि टाइम है जी अब मैरिज हॉल का, तो वहाँ पर जो है ना फंक्शन वगैरह जो भी करना है वहाँ से क्लियर होके फिर फाइनली आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब फौरन हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं वहाँ पर। फाइनली हम लोग जी पहुंच चुके हैं जी शादी हाल में, मैरिज हाल में, तो अभी जो है ना वलीमा शलीमा जो है ना शुरू होने वाला है, तो चलते हैं जी आप लोगों को, चलते हैं अंदर आप लोगों को भी दिखाते हैं और जो है ना खुद भी देखते हैं। तो फाइनली अब जो है ना चलते हैं अंदर अभी। रस्म जा रहे हैं, निकाह हो रहा है, निकाह कर रहा है, तो वो भी ऑनलाइन, आपको पता चाहिए पूरे प्रोसीजर में जो है ना दूल्हा नहीं था, दूल्हा जो है ना बाहर है, तो जी निकाह जो है ना ऑनलाइन किया जा रहा है, तो अभी चल रहा है निकाह चल रहा है, तो पहले करवाते हैं निकाह फिर आपको कहते हैं निकाह। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما। चले जी निकाह कबूल हो चुका है और कबूल कबूल हो चुकी है, दोनों तरफ से कबूल कबूल हो चुकी है, फाइनली जी है ना खाने का टाइम होता है। चले जी सबसे पहले जो है ना चलते हैं जी खाने पे, टूट पड़ते हैं। खाली बेटा खाना जो है ना
फिनिश कर दिया जी, चिल्लर पार्टी ने सारी ने। चलो चल हो गया ना, वो बोलता निकलो बस मौत हो गया फिर तमाशा। अभी नेक्स्ट बुकिंग के लिए जो है ना खाली करवा रहे हैं। खाना अच्छा था, मज़ा आया? हाँ माशाल्लाह अच्छा था खाना, पेट भर के खाए तो कमी शमी तो नहीं रहेगी। मन कर रहा है खाने का। अच्छा नहीं खाना पड़ा ना, लेडीज में चले जाते हैं वहाँ बैठ के खाए। हाँ एक लेडीज में शिफ्ट लगा लेते हैं, सही नहीं? चलो जी फाइनली जी है ना मैं जा रहा हूँ वापस। नहीं नहीं वापस नहीं जा रहा हूँ, जो दुल्हन हम लेके आए थे हैदराबाद से वो जा रही है जी अपने दूल्हे के पास। तो हम लोग जो है ना पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, मुल्तान एयरपोर्ट पे। बारात जो है ना आज ही एंड होगा, आज बारात का। यार वैसे एयरपोर्ट हमें नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जी हमें लेके जाता है जी प्रदेश, इसलिए हमें जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जी। बैग वही है, वही वाली फीलिंग आ रही है जो आने के टाइम सॉरी और तरह की फीलिंग होती है, वो तो बहुत मतलब खुशी वाली फीलिंग होती है, लेकिन जब वापस जाना हो तो वो बहुत सैड बहुत दुख वाली फीलिंग होती है। तो कोई नहीं, खैर है। चलो जी दुल्हन जो है ना जा चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं वापस, दुल्हन को हम लोगों ने भेज दिया है प्लेन में, वो पहुंच जाएगी सऊदी अरब अपने दूल्हे के पास। तो हम लोग जाएंगे जी वापस अब अपने घर, और थोड़े दिनों के बाद फिर हमने भी यहीं आना है, अल्लाह खैर करेगा। तब तक इन्जॉय कर लेते हैं पाकिस्तान की लाइफ। घर शादी खत्म करने के बाद और जी आज यार इसकी सुन लो भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया जी आज का। लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद लगा तो लाइक मिलते हैं। भाई घरों प्रोग्राम तो बढ़ गया, हम भी बढ़ गए प्रोग्राम तो, हम फोटो बैड भी बढ़ गया है, तोड़ा पक्का भी बढ़ गया, तू भी बढ़ गई हो गरम गरम। अरे सुनो हादी की पंजो